Good morning, all of you. Azi, my morning assembly me kick to corruption, कल hate to crime का जो topic था, आज kick to corruption. Corruption कई रूपों में बिखरा पड़ा है, आम जन में चर्चा है, आम जन दुखी है. मैं शोध के लोगों से हमेशा कहता हूँ, रिसर्च करने वाले और रिसर्च को मॉनिटरिंग करने वाले लोगों से, कि आप आइए हमारी रिसर्च पर भी आप इवेल्युएट करके बताइए कि कहीं कोई खामी हो तो उसे दुरुस्त भी करेंगे, और यदि स्टिक पाई जाए तो उसको व्यापक प्रचार प्रसार करने में चैनल का पूर्ण सहयोग भी करें. किक टू करप्शन की जो बात है, पहले ये देखना पड़ेगा कि हाथी का बाल टूटकर छोटा सा बाल गिरने पर चिल्लाने से हम करप्शन को दूर नहीं कर पाएंगे. चौराहे पर एक सिपाही 100 रुपये की रिश्वत के समाचार को अखबारों ने बुरी तरह छाप के देश विदेश तक प्रचारित कर दिया था. वो आचरण भ्रष्ट था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहूकार आचरण था, परंतु एक अरब वाले की चर्चा नहीं की जाए, 10,000 करोड़ वाले की नहीं की जाए और 100 वाले की जाए तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है समझदार लोगों को. ये समय जा चुका है, लोगों में समझ बढ़ी है. 10-10 साल के बच्चे इतने प्रश्न कर डालते हैं, इतनी क्यूरी करते हैं, उनको हमें जवाब भी देना है. सांप की माँ कहाँ छुपी हुई है? इस सांप की माँ वो शोध हो चुका है. इसकी जड़ राजनीतिक रैलियां हैं. राजनीतिक रैली में पानी की तरह भ्रष्ट लोगों द्वारा, नेताओं के समर्थन में, उनके समर्थकों द्वारा जो मजबूत इकोनॉमी के लोग, अर्थव्यवस्था लोग, धनी लोग हैं, वो उनकी रैलियां करवाते हैं, पूरी तरह से पैसा बहाते हैं, विज्ञापनों के लिए भी धन देते हैं. पोस्टराइजेशन मैंने कहा, इतना प्रदूषण फैलाया जाता है, ध्वनि प्रदूषण और वायुमंडलीय प्रदूषण, ये सभी जो लोग इसको ज़्यादा जितना बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बोल बहुत लोग रहे हैं, मैं खिलाफ़ ये तो वो कह रहे हैं कि मैं समर्थक हूँ, ये तो बोलते फिर जेल हो जाएगी उसकी. यहाँ लेने का तरीका एक बहुत बड़ा पाइपलाइन है. आप अदालतों के और इस भ्रष्ट व्यवस्था मिटाने में जो लगे हुए सक्षम अधिकारी, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है. करें बहुत ही अदृश्य तरीके हैं, बड़े अजीब जो ढंग लगा रखे हैं, हमें किसी बेवकूफ़ को पकड़ पाते हैं, चतुर भ्रष्ट लोगों को हम कुछ कर भी नहीं पाते, वो प्रमाणिकता नहीं छोड़ते. जो बेवकूफ़ हैं वो धक्के चढ़ जाते हैं, जैसे नकलची छात्रों के साथ होता है कि टॉप के जो नकलची हैं वो फलाएँ और सर से परीक्षक से छुप कर अच्छी खासी नकल कर डालते हैं, और जो सीधा साधा बच्चा है वो छोटी सी एक पर्ची ऑब्जेक्टिव टाइप में और मारा जाता है, उसे ध्यान ही नहीं होता कि कौन आदमी कहाँ खड़ा है. वही बात यहाँ भी होती है, ना समझ. मैं इसे कहता हूँ कि वो चतुर लोग नहीं, वो ना समझ भ्रष्ट तो हो सकते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्ट नहीं है, परंतु वो चतुर खिलाड़ी नहीं है. अगर वो चतुर होते तो शायद हमें इस बात को अखबारों में पढ़ने को मिलते नहीं कि भ्रष्टाचार कोई चीज़ यहाँ है भी क्या. भ्रष्टाचार सने और प्रशासन और समाज में अभी कह नहीं पाते
क्या भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ है, हर जगह कहा जाता प्रमाण है? नहीं सर, नहीं है। तो भगवान ऐसे कैसे कह दिया आपने? तो मेन बात ये है कि एक तो राजनीतिक रैलियां जो हैं ये भ्रष्टाचार की जड़ हैं। रामलीला मैदान बुक कराए जाते हैं, बाद में जो मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा, अन्य प्रकार के वर्गों द्वारा, दुकानदारों द्वारा जो प्रदर्शन होते हैं कि ये कर मत लगाओ, वो कर मत लगाओ, ये सोचने वाली बात है। वो लोग, ये लोकतांत्रिक में राजनीति विज्ञान की परिभाषा बोल रहा हूँ, किसी दलगत से संबंधित या किसी देश से संबंधित बात नहीं है। ये वैश्विक स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था की समस्या है कि उसमें नेताओं को धन मुहैया कराया जाता है भ्रष्ट व्यापारियों द्वारा। उनके चेहरे को पहले भ्रष्ट कर दिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, वो बहुत ही गलत कह रहा है। मैं सुबह सोच के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। वो बहुत पहले भ्रष्ट हो चुका होता है। उसको पता होता है दल को कितना धन वहाँ से आ गया है, अवैध रूप से भी। वैध नहीं, वो इनको चंदा देना तो है ही, इनका वैधानिक बना रखा है। हालांकि कई चीफ इलेक्शन कमीशन बेचारों ने ये भी काम, उनको बेचारा इसलिए कर रहा हूँ कि उनके पास इस तरह की शक्ति नहीं है कि वो प्रोविजन कर सकें, प्रावधान कर सकें, सुझाव देते। सुझाव यहाँ कोई मानता भी नहीं है। इनकी शासन प्रणाली में बड़ी समस्या है, सुझाव नहीं चाहिए उनको। वो कहते सुझाव सिर्फ लो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दो चार चेहरे अच्छे ढंग से आए हैं जो सुझाव, जो प्रणाली में काफ़ी सुधार चाहते थे, परंतु इन्होंने सब ने अनसुना कर दिया उसको। एक की बात नहीं कि भाई आप चंदेड़ियों से बाहर आओ, अगर जब तक चंदे लेते रहोगे तो आप कॉरपोरेट के नेता बन जाओगे, उन कॉरपोरेट घरानों के गुलाम बन जाओगे। सिर्फ आपका मुंह बजता रहेगा, काम नीचे कुछ नहीं आएगा, खुदा पाड़ने के लिए चूहे वाली हो जाएगी और जनता समझ भी नहीं पाएगी कि आप कॉरपोरेट बजट दे रहे हैं, कॉमन बजट दे रहे हैं। कॉमन और कॉरपोरेट का टकराव रहता है नीतियों को लेकर, तो आप कॉरपोरेट का बजट दे पाएंगे यानी आप पूंजीपतियों का बजट दे पाएंगे, आम जनता का बजट आप बना ही नहीं पाएंगे। आपकी नीतियों को लोग प्रभावित करेंगे। आम जनता इतना समझती भी नहीं है कि क्या नीतियाँ बना ली गई। अभी भी एक राज्य पंजाब है, उसमें मैं देख रहा हूँ नेताओं को पसीने छूट रहे हैं। किस लिए? अभी चंडीगढ़ के चुनाव में चार दलों और चारों प्रमुख दल हैं, प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कोई कम ये नहीं। तो वहाँ जाति और धर्म के नारे काम नहीं कर रहे हैं। जाति और धर्म के नारों को लुप्त करके एक बार विकसित लोकतंत्र बनाने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों की नीतियों पर ध्यान किया जाए और ये लोग रैलियाँ बिल्कुल बंद कर दें। मैंने पहले कहा था, अपने लेख छापे। आजकल ई बुकिंग का ज़माना है, ई पेपर्स का ज़माना है, सोशल मीडिया ज़माना है, पेपर भी ख़राब नहीं करें। इनका कोई विचारक जो है किसी हर राजनीतिक दल का, ये कहते हैं भाई सब मत बोलो, स्पोक्स मैन बोलेगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि इनके अपने अपने जो स्पोक्समैन, हाँ वैधानिक दर्जा जरूर प्राप्त हो। ये नहीं कल ये कह दें कि अधिकार ने, उसने बोल दिया, मैंने नहीं बोला। सीएम कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट या राजनीतिक दल का जो मुखिया है, वो अपना डॉक्यूमेंट जो है, विजन जो है, घोषणा पत्र, वो जनता के पास जारी करें। भाई हम ये करने जा रहे हैं, कल्याण के लिए ये काम करेंगे, आपका कल्याण ऐसे होगा और हमें मत दो। बस इतनी सी बात काफ़ी है। ये हमारा चुनाव चिन्ह है, ये हमारी नीतियाँ हैं और ये हमारा नाम है। हमें मत दो, हम आपका इस तरह से आपकी सेवा करेंगे। लोकतंत्र इसी का नाम है। शक्ति आजमाइश करना, जोर आजमाइश करना लोकतंत्र नहीं है। धन बल से द्वेषता बढ़ाकर, विमनस्यता बढ़ाकर, ये लोकतांत्रिक परिभाषा नहीं है। और भ्रष्टाचार की जो जननी है, कॉरपोरेट का जो इनडायरेक्ट जो पैसा आता है, भ्रष्ट पैसा, वो भी इस व्यवस्था को जन्म देता है। इससे मीडिया प्रभावित होता है, जो प्रेस है वो भी गिरफ्त में आती है। किस अखबार के मुखिया को राज्यसभा मनोनीत करने का लालच दे देना, इससे भ्रष्ट हो जाता है और उसकी कलम जो है वो बेमानी हो जाती है। दिखने लग जाता है कि बेईमान लिख रहा है। ईमानदारी से कलम जो भी चलाएं, मैं सभी साथियों से ये भी कहूँगा, ये कलम चलानी बंद कर दें, अपने अपने अखबारों का नाम पार्टी के नाम से लिख लें। यदि कोई प्रेस की भूमिका माना चाहता है, अच्छी बातें लिखें। मैंने पहले भी कहा था, 1971 के प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्र को क्या दिया है सबको पता है, चाहे विरोधी लोग हों उससे के दल से, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया है। दो ऐसी सामूहिक बातें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें थी,
और उन दोनों को उनके दलों के मुखियों से, अध्यक्षों से और संवाददाताओं से बताना चाहता हूँ, आम सहमति है और अच्छे कार्य के लिए बुराई नहीं की जा रही, और अगर वो करे कितना दुर्विरोध इतना तो बुराई लोग सुनना तैयार, तो अच्छी नीतियाँ लेकर आए। अभी मैं इसी बात पर जाऊँगा कि अच्छी नीतियों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित की जाए, रैलियाँ कम की जाएँ, पोस्टराइजेशन कम किया जाए और ऐड कम दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार गिरफ्त से बाहर आएँ, थोड़े से राजनीतिक दल कॉरपोरेट से भ्रष्ट पैसे से अपनी छवि को साफ सुथरा बनाएं। भ्रष्टाचार वहाँ है, ये कुआ जो बाद में हम झेल रहे हैं ये कुआ वहीं से शुरू होता है। धीरे धीरे फिर कॉरपोरेट्स अपने भ्रष्ट अधिकारियों को प्रतिस्थापित करवाते हैं, राजनेता जिसको हमने निर्वाचित किया उससे शक्ति छीन ली जाती है प्रत्यक्ष रूप से। सर, इसको हमने आपको कहा था, आपको यहाँ तक पहुँचाया, आप इस अमुक ने व्यक्ति को वहाँ बैठा दो, अमुक को वहाँ बैठा दो, मेरा दूधिया इसको ये बना दो, एक ऐसे पद पर एक दूधिया को एक व्यक्ति लगवाया है। एक संगीन की बड़ी अजीब सी बात देखने लगती है कि यार ये तो इसको कोई इस तरह की संवैधानिक नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज कोई आवश्यकता नहीं है। यानी प्रतिभा का प्रतिवाद करना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, और वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई राज्यों में संवैधानिक प्रमुखों का आपस में टकराव हो रहा है, सरकार और संवैधानिक प्रमुख का, ये भी ठीक नहीं है। वहाँ भी शायद कुछ इस तरह की बातें मिलेंगी अपनों अपनों को लेकर कि मैं तो वो ठीक नहीं है। मैं ये कहूँगा कि टू करप्शन और राजनीतिक रैलियाँ और राजनीतिक जो खर्चे हैं वो बंद किए जाएँ। चुनाव का संचालन धीरे धीरे सरकार की तरफ बढ़े, सरकारी धन से बढ़े, जनता के धन से बढ़े, कॉरपोरेट से इसका जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी, वो खत्म। धन्यवाद।